दोस्तों समय के साथ कभी खिलवाड़ न करना, दोस्तों समय के साथ कभी खिलवाड़ न करना और अकेला चलना सीख लेना, अकेला चलना सीख लेना, क्योंकि सहारा चाहे जितना हमारा सगा क्यों न दे रहा हो, सहारा चाहे जितना भी सगा हमारा क्यों न दे रहा हो, और यार हो या फिर प्यार हो, और कितना भी सच्चा यार क्यों न हो, और एक दिन अपनी औकात दिखा ही देता है। दोस्तों मैं ज्योति सचार्य शिवम आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि के बारे में, और सिंह राशि आज के दिन इतिहास रच दिया है। दोस्तों आप लोग बहुत संकटों को झेल चुके हैं, वही दोस्तों आज आपकी ज्योतिष कुछ नए नियमों के साथ आपके दिनचर्या में परिवर्तन हुआ है, जिससे आप जो है इतिहास रच देंगे। दोस्तों मैं ज्योतिष आचार्य आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इसलिए दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हम आपके परिवार को बेहतर बनाने में थोड़ी सी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपका भाग्य क्या कह रहा, आज के दिन 23 दिसंबर 2022 बीत चुका है, और आज का दिन जो है 24 दिसंबर 2022 चल रहा है, और आज के दिन आपका भाग्य क्या कह रहा है, और आज आपको किन क्षेत्रों में लाभ होने वाला, सब कुछ इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आज का पंचांग क्या है ये जान लिया जाए। दोस्तों 24 दिसंबर 2022 शनिवार का दिन है, और पौष मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थदशी है, और आज का जो नक्षत्र है वो पूर्वा साड़ी है, और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 11:37 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:30 पर, और चंद्रमा की आज जो स्थित रहेगी वो धनु राशि पर रहेगी। आज का जो अशुभ समय होगा वो शाम के 6:01 से लेकर शाम के 7:05 तक रहेगा। इस अशुभ समय में कोई भी शुभ कार्य ना करें, नहीं तो आपके काम में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि सिंह राशि इतिहास रचने वाले, दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल के बारे में। ये प्रश्न चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिससे महत्वपूर्ण लाभ होने वाले, आमदनी के स्रोत बढ़ सकते हैं। 2023 में तो आपका भाग्य बनेगा ही, लेकिन आज से ही आपके कुछ लक्षण दिखने लगेंगे, जिससे आपके अनेक लाभ होने लगेंगे, प्रत्येक कार्य में जो है सफलता मिलने लगेगी। स्टूडेंट के दिनचर्या में परिवर्तन हुआ, जिससे स्टूडेंट का मन जो है शिक्षा में लगने लगेगा, और शिक्षा इनको जो है इधर उधर भटकेगा नहीं। शिक्षा जो स्टूडेंट हैं उनकी जो है लाइफ जो है सेटलमेंट हो सकती है, और जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि 2023 में आने वाले परिवर्तन के साथ आपका भाग्य भी पलटा है। सैलरी में वृद्धि हो सकती है 2023 में, जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहे थे और उनकी सैलरी बढ़ सकती है, अधूरे कार्य बन सकते हैं। 2022 में जितने भी आपके सपने नहीं पूरे हुए हैं वो आगे चलकर सब पूरे हो सकते हैं, और बिजनेस और व्यापार में आपका धंधा अच्छे से चलेगा। बिजनेस में थोड़ा आपको सचेत रहना है कि आपको जो है थोड़ा सा उधारी पर कंट्रोल करना है, और जो आपका कर्ज है वो धीरे धीरे मुक्ति देने में प्रयास करना है। इस साल आपका योग बहुत ही अच्छा है और मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। कार्यशैली में बहुत ही लाभ होंगे, और क्षेत्र में जो है आपको जो है खेतों में कुछ अलग तरीके के लाभ होने की संभावना है। पेंडिंग कार्य बन जाएंगे, जितने भी कार्य पेंडिंग पड़े हुए थे वो सारे जो है बनने की संभावना आ चुकी है। कुछ ऐसे लोन पास होंगे जो आप लोग जो है किसी काम के लिए ले रहे थे, या फिर किसी बिजनेस व्यापार के लिए लोन पास करा रहे थे, वो सारे लोन आपके पास हो जाएंगे, और आप भी पैसा कमा सकते हैं इस साल। दोस्तों आज का जो ज्योतिष शास्त्र का कार्यक्रम है, इसमें दोस्तों जीवन साथी का भी प्रेम रहेगा, लव पार्टनर में भी संबंध बने रहेगा, शिक्षा का योग अच्छा है, कंपटीशन लेवल में थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, इसलिए थोड़ा कार्य पर आपको फोकस करना पड़ेगा। भाग दौड़ बनी रहेगी, लेकिन इस भाग दौड़ से आप बहुत ही खुश रहेंगे। दोस्तों आपके घर पर शादी विवाह भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।